हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और मैं हरिशंकर आज फिर से लेकर आ रहा हूँ आरआरसी के थ्रू होने वाले पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस नंबर 15 लेकर आया हूँ। क्लियर? तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिससे क्या होता है कि मुझे मोटिव मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आज के आपके क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तापीय, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ घर्षण, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नाभिकीय। क्लियर है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा ज़रूर लगता होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। किसमें? तापीय में ऊर्जा में बदल जाता है। जो घर्षण बल होता है वो जब घर्षण करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, जब अपन घर्षण करते हैं, जैसे दो हाथों की हथेलियों को अपन जब मलते हैं ना, तो क्या होता है, इसमें घर्षण हो रहा है। तो यहाँ क्या हो, तापीय ऊर्जा लगता है ना, महसूस होता है गर्म हो रही है ये, तो ये क्या होता है, घर्षण, तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं घर्षण। क्लियर? हम आपको बता दें जो गति की दिशा होती है, किसकी गति की जो दिशा होती है वो घर्षण बल की दिशा के बिल्कुल क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। घर्षण यहाँ हो रहा है तो गति इस साइड हो रही होगी वस्तु की। क्लियर? तो अपोजिट दिशा में होती हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि जो घर्षण होता है, घर्षण बल होता है, यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किस पर? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर? उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु ठोस है या द्रव है या गैस है, मतलब इस प्रकार निर्भर करता है इन चीज़ों पर। ठीक है, तो हम यहाँ आपको और भी एक क्वेश्चन बताते हैं कि जो सबसे अधिक घर्षण होता है वो किस में होता है, ठोसों में। ठोसों में क्या होता है, अधिक घर्षण होता है। सबसे अधिक घर्षण किस में होता है, जब दो ठोस वस्तुएँ होती हैं ना आपस में, तो सबसे अधिक घर्षण होता है। क्लियर? फिर उसके बाद होता है द्रव में। द्रव में ठोसों की अपेक्षा कम होता है घर्षण। क्लियर? और जो गैस होते हैं इनमें सबसे कम, गैसों में सबसे, गैसों या हवा में सबसे कम होता है घर्षण। क्या होता है? सबसे कम होता है। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया हुआ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं बोर्ड पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 7। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। तो इसका राइट आंसर है जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6। सॉरी, 6 नहीं, यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक से दिया हुआ है। जो बास्केटबॉल होता है उसका ऑप्शन नंबर क्या है, बॉम्बे सही है। क्या है? बॉम्बे। एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। किसमें? बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, जो पोलो होता है, पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं। और वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ये होते हैं 7। क्लियर? क्लियर हुआ ना? सॉरी, यहाँ भी मिस्टेक से लिखा हुआ है। जो वॉलीबॉल होते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं।
क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है 5 बास्केटबॉल। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 1 रुपये मूल्य के से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1 रुपया मूल्य से ऊपर के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्टेट बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3rd का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं जो एक रुपये से ऊपर के नोट होते हैं। 1 रुपये से ऊपर के जो नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर। सिर्फ जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये का नोट या सिक्के, नोट या सिक्के वित्त मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर हुआ ना। जो आरबीआई होती है, 1 रुपये से जितने भी नोट होते हैं अधिक के, वो सब आरबीआई निकालती है। कौन निकालती है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। और जो 1 रुपये से ऊपर के सब आरबीआई, और 1 रुपये का जो नोट होता है वह सिक्के, वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आज का जो 4 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग से है ये क्वेश्चन। आपको बताना है ये इसका जो डायरेक्शन है वो दर्पण में किस साइड क्या होगा। देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4th का राइट आंसर क्या निकलता है। देखिए हम आपको बताते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि इनके ऑप्शन में अलग दिया जाए और उसके चित्र जो डायग्राम है उसके नीचे अलग दिया जाए, तो आपको डायग्राम का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल चूज़ नहीं करना है, उनको नीचे वाले ऑप्शन में देना है, देखना है कि वो किस में है। तो वहाँ जो डायग्राम दिया है बी वाला, यहाँ पर वह किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। दर्पण में इसका जस्ट विपरीत चित्र देखना है आपको, एक ही चित्र जो नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी और जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। निम्न आकृति में कितने कोण हैं, त्रिकोण हैं सॉरी। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 13, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 12। क्लियर है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। काउंट करिए जल्दी से फटाफट। फटाफट इसका राइट आंसर देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या? 12। क्लियर। आप सही से इसको काउंट करेंगे तो 12 त्रिभुज ही निकलेंगे। क्लियर। और आपको जो समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख कर भेज दिया करें, इससे हमें उसको नेक्स्ट वीडियो कवर करा सकें। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, बर्लिनिया किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यूके,
ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है फ्रांस। क्लियर है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्लियर है? तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैसे जर्मनी। अब आपको बताते हैं जो बर्जिलिनिया है, बर्लिन सॉरी, वो कहाँ की जर्मनी की राजधानी है। क्लियर? इतना तो पता चल ही गया होगा सभी को। यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है यहाँ की, जो मुद्रा है यहाँ की वो है ड्यूस मार्क। कौन सी है यहाँ की मुद्रा, वो कौन सी है, ड्यूस मार्क है। क्लियर हुआ? बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की, यहाँ की मुद्रा कौन सी है, ड्यूस मार्क। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर सेवन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 45.9 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 4.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 450 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 459 किलोग्राम। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इसका राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर सेवन का, क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 45.9 किलोग्राम। क्लियर? अब ये कैसे हम आपको बताते हैं, वेट अपन को कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 450 न्यूटन। क्लियर? और जो ग्रेविटी होती है उसका वेट कितना हो 9.8। क्लियर है? निकालना क्या है आपको, द्रव्यमान। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बराबर वेट अपॉन ग्रेविटी जी। मैं आप जो मान है वो पुटअप कर देंगे 450/9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर आ जाएगा 45.9 किलोग्राम। क्लियर? हम आपको बता दें एक न्यूटन बराबर होता है 10^6 डाइन। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक एयरपोर्ट में एक सूटकेस ट्राली के उतारा गया है और वहाँ पर खड़ा रहा, जब किसी से किसी ने आकर उसे आगे नहीं धकेला, न्यूटन की कोई कौन सा नियम इस घटना को उल्लेख करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक एयरपोर्ट में एक सूटकेस ट्राली से उतारा गया और वहाँ पर पड़ा रहा, जब तक किसी ने आकर उसे आगे नहीं धकेला, न्यूटन का कौन सा नियम इस घटना का उल्लेख करता है। क्लियर? तो बताना है आपको न्यूटन कौन सा नियम उल्लेख करता है। आपके ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं आप क्वेश्चन में। ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है न्यूटन का प्रथम नियम गति का, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन का गति संबंधित द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी दिया है न्यूटन गति संबंधित द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आंशिक रूप से द्वितीय और आंशिक रूप से तृतीय। क्लियर? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर एट का वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का जो कौन सा प्रथम नियम लगता है यहाँ पर। न्यूटन का कौन सा नियम, प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है, वह वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए।
ठीक है ना, तब तक वो स्थिर रहेगी। वो यहाँ यही हो रहा है, जो ट्राली में से सूटकेस को उतारा है, क्लियर, ये तब तक वहीं पड़ा रहा जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाया गया, क्लियर है ना। तो यहाँ कौन सा नियम लगा गया, न्यूटन का प्रथम नियम, क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि मैथ से बिलोंग करता है क्वेश्चन, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो पर 26 किलो चावल के साथ 36 रुपये प्रति किलो पर अन्य प्रकार के 30 किलो चावल मिलाता है और उस मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलो पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 5%। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 8%। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 10%। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5%। अब कैसे हम आपको बताते हैं, उसने कहा है जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं, ठीक है, उसने कितने मिलाए हैं, 26 किलो, तो कितना हुआ ये 520 रुपये के हुए ये चावल। दूसरे में उसने बताया है कि जो 36 किलो चावल हैं, ठीक है ना, उसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और इसमें मिला दिए, तो कितना हुआ 18 तीन तिरका 9 1080, टोटल कितने रुपए हुए 1600 रुपये के चावल उसने कलेक्ट किए, मतलब उसका 1600 रुपये जो है उसके पास सेविंग मनी है, जो मतलब कुल टोटल उसके पास पैसे 1600 रुपये खर्च हुए इतना सामान खरीदने पर, मतलब 56 किलोग्राम चावल खरीदने पर उसे 1600 रुपये लगे थे। अब उसने जो चावल का दाम है वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम रखा, 30 रुपये प्रति किलोग्राम का 36 किलो रुपये प्रति किलोग्राम चावल है और 56 किलो थे, कितने के हो गए 1680 रुपये के उसने बेचे, मतलब 56 किलोग्राम चावल 1600 रुपये के खरीदे थे और 1680 रुपये में उसने बेच दिए, कितना लाभ हुआ। तो अपन को पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ कितना होगा 1680 1600 × 100, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, दो बिंदी कैंसिल, यहाँ कितना बचा होगा 80, 16 × 5 कितना होता है 80, कितना हो गया 5%। 5% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर में दिया था बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो भी मैथ से बिलोंग करता है। ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है कूल माइंड स्टडी चैनल के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 अपन को दिया हुआ है 4 × 6 × 2 / 3/2, यहाँ कोष्टक लगा हुआ है बड़ा सा, कितना लिखा हुआ है 8 × 2 × 3/2 × 4/2, क्लियर हुआ इतना। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 256/9, क्लियर हुआ, 256/9। अब कैसे यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ दिया हुआ है यहाँ 4 को जब हम 2 भागों में तोड़ लेंगे तो 2 × 2 या 2/2 लिख सकते हैं, क्लियर है इतना। तो यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 2/2 6 × 2 = 6,
अपॉन में पूरा दिया हुआ भाग है, ये पूरा अपॉन में है, तो कितना दिया हुआ है 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 या 2 की पावर 3, तो यहाँ कहते लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 2 की पावर 12 × 2 की पावर 6, यहाँ कितना होगा 2 की पावर 6 × 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2, क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 काट देंगे, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 12 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 12 - 2 / 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 10 / 3 की पावर 2। इसको जब सॉल्व करोगे 2 × 2 × 10 तो कितना आएगा 256 / कितना होगा ये 9। ये किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो ये क्वेश्चन, अगर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे मैं अगले वीडियो में इसको कवर करा सकूँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर चौड़ाई 3.75 मीटर है, फर्श का पत्थर बिछाने के लिए 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत ज्ञात कीजिए। आपके इसके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कितना दिया हुआ है 1600 रुपये, क्लियर है। अब कैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ दिया हुआ है कमरे की लंबाई चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का लंबाई कितनी दी हुई है 5.5 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 3.75, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5×25 5×35 5×35 36 37 3×5 15 15×3 18 इसी प्रकार ये रहेगा 5 7 8 1, ये कितना हो गया 5 7 12 15 1 16 9 1 10 2, ये तीन अंक बाद 0 आएगा, तो ये कितना होगा 20.625। अब लागत कितनी है एक वर्ग मीटर की 800 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 0 8 5 40 8 2 16 4 20 8 6 48 49 50 वहाँ से लगे 5, तो यहाँ 5 ही आ जाएगा 0 है, 8 2 16 3 अंक बाद 0 1 2 3 अंक बाद 0, तो कितना होगा 16500। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है अपन को, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 16500, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, चूने का पानी इससे गुजरने पर दूधिया हो जाता है, अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से दूधियापन गायब हो जाता है, निम्न के बनने के कारण होता है, किसके बनने के कारण होता है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं चारों स्क्रीन पर, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बना है हम आपको बता दें, उसने कहा है चूना, क्लियर, चूना क्या होता है CA, ये क्या होता है चूना, प्लस क्या होता है H2O के साथ मिलाएंगे जल के साथ, उसने कहा हुआ है, तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या है अपने पास जल, जब इसको अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, क्लियर हुआ इतना तो क्लियर है सबको। जो चूने का फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, मिस्टेक से हो गया,
CuH क्लोराइड यहाँ हो गया, इतना बन गया, ये क्या बन गया है, दूध ही है जल, या कहते हैं इसको चूना जल, या क्या होगा, दूध ही है, क्लियर क्लियर। अब उसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर, क्या मिलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर, तो क्या होगा, CaOH का होल्टाइज प्लस CO2 प्लस H2O, इचकॉल देने जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, क्लियर। अब यहाँ मत छोड़ देना कि ये बन गया तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसी को राइट आंसर लगा दें, ये राइट आंसर नहीं है। उसने कहा इसके बाद अपन को कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी तो बना ये बन गया, ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। फिर इसमें अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में CO2 फिर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इक्वल देन क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये अपने पास क्या बन गया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्या बन गया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसे ही यही अपन को सिद्ध करना था कि दूध या बिल्कुल अलग हो जाए, गायब हो जाए, तो ये हो गया CaCO3 का होल्टाइज, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, हम आपको एक बार रिपीट करके दिखाते हैं, CO के क्या होता है, चूना, इसको जल के साथ मिलाया तो क्या बना, COH का होल्टाइज, जिसे चूना या जल या दूध या अवक्षेप कहते हैं, क्लियर। दूधी अवक्षेप को फिर उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाने पर, जल के साथ मिलाने पर, तो ये क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना यहाँ से CaCO3, क्लियर। तो CaCO3 को अपन अत्यधिक CO2 के साथ मिलाने पर जल के साथ तो क्या बना, CaHCO3 का होल्टाइज, जिसे बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या मतलब दूधी अवक्षेप खत्म हो गया इसका, बिल्कुल क्लियर आ गया है आपका आंसर, क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तेरह आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपने आमदनी का 1/3 भोजन पर और 1/2 ऋण चुकाने पर व्यय करता है, अगर शेष राशि 2000 है तो उस व्यक्ति की आमदनी क्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 6000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको 10000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको 12000 रुपये। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। उसने कहा है कि वह भोजन पर 1/2 खर्च करता है, क्लियर, और ऋण चुकाने पर 1/3, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। पहले आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है डी, कितना, 12000 रुपये, क्लियर। अब कैसे हम आपको बताने वाले हैं, किसने कहा है भोजन पर कितना खर्च करता है, वो है 1/3 रुपये, क्लियर, और ऋण चुकाने में 1/2 रुपये, कुल उसकी राशि कितनी है, 1 से ये क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस ये कितना होगा, 6 लाख आएगा, 2 × 6 = 2, 3 × 6 ये कितना होगा, 1 − 5/6, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 1/6, ये क्या है, उसकी बचत है, वो बचत अपन को दी हुई है पहले से, कितनी दी हुई है अपन को बचत पहले से, जो आपकी उस पर दिख रही है स्क्रीन पर, तो उसकी बचत जो दी है कितनी है, ये है 2000 रुपये, तो उसकी कुल राशि कितनी आई, 6 × 12000 रुपये, क्लियर। तो ये 12000 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है जो कि रीजनिंग से बिलोंग करता है, देखते हैं आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है अपन को, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है के एल एल ए, ए दिया हुआ है। हाँ क्लियर। अब कैसे हैं आपको बताते हैं, अपने पास जो सीरीज दी हुई है वो है ई एल ई एल एफ ए कॉमा जी एल एच ए आई एल ए आई एल ए आई एल जे ए जी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ ए दिया हुआ है। क्लियर, ये आपको ज्ञात करना है। अगला पद आपको क्या दिया हुआ है, एम एल एन ए। क्लियर, कैसे हुआ आपको बताते हैं। ई से ई एफ जी प्लस दो, जी से एच आई जे प्लस दो, के एल जे के बाद जे के एल क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है मुझे कुछ, यहाँ देख लेते हैं अपन कुछ मिस्टेक कर चुके हैं। यहाँ पर जो है जी से आई तक पहुँचेंगे अपन, जी एच आई प्लस दो, आई से क्या होगा आई जे और के, यहाँ क्या आएगा प्लस दो के। ठीक है, फिर क्या दिया हो एल 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 और फिर एल एल तो आना ही ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ क्या है एफ से क्या दिया हुआ एफ जी एच, यहाँ भी प्लस दो हुआ, एच के बाद आई जे यहाँ भी प्लस दो हुआ, जे के बाद के एल यहाँ भी प्लस दो हुआ, यहाँ एल आ गया। क्लियर, इसके बाद क्या दिया हुआ ए से क्या दिया हुआ ए, ए से क्या दिया हुआ ए, ए से क्या दिया हुआ ए, तो यहाँ भी ए आएगा। के एल एल ए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर हुआ, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का समापन 23 दिसंबर 2018 को हुआ, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर किसके देश के बीच में हुआ ये युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड, कौन सा हैंड इन हैंड किन किन देशों के बीच में हुआ, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी चीन। भारत और चीन के बीच में हुआ है ये, किसके भारत प्लस चीन के बीच में हुआ है युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड, और ये कब समापन हुआ है इसका आपके क्वेश्चन में दिख ही रहा है 23 दिसंबर 2018 को। क्लियर, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ आपका अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मांसपेशियों के संकुचन में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हृदय की धड़कन में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है तंत्र का आवेग में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्लियर, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन जो 17 दिया है उसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हृदय धड़कन में, किसमें हृदय की धड़कन में होता है इसका उपयोग सोडियम पंप का। क्लियर,
हम आपको यहाँ कुछ और बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं इसके बारे में। सोडियम पंप का जो कार्य होता है धड़कन की, हृदय की धड़कन में होता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, किस समय में हुई थी, किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस सन में हुई, तो इसका राइट आंसर है किस सन में हुई थी, 1628 ईस्वी में। और किसने की थी, ये ऑप्शन भी आता है तो क्या है, विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। क्लियर हुआ। और यहाँ हम आपको और बताते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग होते हैं इसके, तो इसके कितने भाग होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के, चार भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक होता है सिराएं, आपको पता ही है सिराएं क्या, ऑप्शन नंबर, और दूसरी होती है रुधिर, चार होते हैं भाग, तो पहला सिराएं, दूसरा रुधिर, तीसरा होता है आपका हृदय, हृदय, और चौथा होता है आपका धमनिया। क्लियर। यहाँ हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फैक्ट बता दिए हैं। यहाँ तो आपको दिया हुआ था कि सोडियम पंप का कार्य क्या है, तो हृदय की धड़कन में होता है, क्लियर इतना हुआ। फिर हमने आपको बताया रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस सन में हुई, तो 1628 में हुई, किसने की, विलियम हार्वे ने की। क्लियर। अब रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं, तो यह चार चार प्रकार के होते हैं, मतलब चार भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है, पहला सिराएं, दूसरा रुधिर, तीसरा हृदय, चौथा धमनियां। क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 18, एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्लस माइनस 19, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 19, ऑप्शन नंबर सी दिया 361, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 180.5। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या निकलता है। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 19। अब कैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ हम आपको बताते हैं जो प्रसरण होता है, सॉरी जो प्रसरण होता है वो बराबर होता है मानक विचलन, जो प्रेषण बराबर होता है, जो प्रेषण बराबर होता है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है। क्लियर। अपन को सवाल में दिया क्या हुआ है, प्रेषण दिया हुआ है, प्रेषण कितना दिया 361 बराबर मानक विचलन कितना का वर्ग हटाएंगे तो साइड क्या आ जाएगा, वर्गमूल प्लस माइनस 61, तो ये कितने का होता है, वर्गमूल 19 का, तो प्लस माइनस कितना 19, ये क्या होगा मानक विचलन। हम आपको बता दें ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, अधिकतर सवाल में पूछा जाता है प्रेषण बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन का स्क्वायर होता है। कभी मानक विचलन पूछ लेते हैं, कभी प्रेषण पूछ लेते हैं। क्लियर। तो आपको बिल्कुल भी इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोगों ने कभी पढ़े नहीं होते हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 19 आपको दिया हुआ है, बयान को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष ज्ञात करें। बयान क्या दिया हुआ, सभी बोतलें क्या हैं, पेंसिल हैं, कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, और निष्कर्ष क्या है, कोई बोतल स्कूल नहीं है, कुछ स्कूल बोतल हैं, कुछ पेंसिल स्कूल हैं। क्लियर। कथन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के राइट आंसर की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, कैसे हम आपको बता दें। क्वेश्चन में कहा है सभी बोतलें पेंसिल हैं, जितनी भी क्या हैं, जितनी भी बोतल हैं क्या हैं, वो पेंसिल हैं। सही बोतल क्या है, पेंसिल है। दूसरे बयान में कहा हुआ है कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। क्लियर हुआ इतना। अब उसके निष्कर्ष में कहा हुआ है कुछ बोतल स्कूल नहीं है, कुछ बोतल स्कूल नहीं है, तो ये तो क्लियर हुआ कि ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष फर्स्ट सही है, क्लियर है। दूसरे में कहा कुछ स्कूल बोतल हैं, कुछ स्कूल जो हैं बोतल हैं, ये भी नहीं गलत है, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। तीसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ पेंसिल स्कूल हैं, क्या दिया हुआ है, कुछ पेंसिल स्कूल हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ कि स्कूल तो है नहीं, सिर्फ बोतल है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट ही निकला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है केवल फर्स्ट निष्कर्ष, ठीक है, तो क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्लियर। आपकी स्क्रीन का क्वेश्चन है 20 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 15 दिवस को, ऑप्शन नंबर 15 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 12 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 18 दिसंबर को, क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है जो प्रतिवर्ष प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है, क्लियर। तो आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ सेट पेपर 16 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।